आईफोन में सेकंड अकाउंट लॉगिन कैसे करें? फ्री फायर का फेसबुक अकाउंट जो होता है उसका अगर आप लोग का 2-3 है तो आप लोग आईफोन में क्या कर रहे हो, सेकंड आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। एंड इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई आईफोन कीपर लाओ। तो ये वीडियो आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के लिए है। आईफोन का जो यूजर है वो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग देख देता हूँ। तो जैसे आप लोग सेकंड अकाउंट को लॉगिन करने जाते हो तो बहुत सारे बंदे लोग क्या होता है कि यहाँ पे लोडिंग देखने को मिलता है, डायरेक्ट आप लोग रिडायरेक्ट कर देता है क्रोम में एंड वहाँ पे आप लोग जो पुराना आईडी है वही लॉगिन हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग बैक करना है। बैक करने के बाद आईफोन एंड्रॉइड जो भी आपका डिवाइस है, और गाइस और एक बात, मेरे पास आईफोन का कोई डिवाइस नहीं है इस वजह से मैं आप लोग एंड्रॉइड में दिखा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड से मतलब पूछा कि किस तरह से सेकंड अकाउंट को लॉगिन करता है तो ये स्टेप बोला। तो पहले आप लोग फ्री फायर में टैप करके, फ्री फायर मैक्स जो भी है उसमें आप लोगों को टैप करके आगे क्लियर डाटा और क्लियर कैच दो आप लोग ऑप्शन मिल जाए। तो सिर्फ आप लोग क्लियर कैच करना है, गेम में भी आप लोग ऑप्शन मिलेगा बट आईफोन में क्या होता है कि गेम के अंदर भी क्लियर कैच का आप लोग ऑप्शन नहीं मिलता, एंड्रॉइड में मिल जाते हैं। तो आप लोग जस्ट ओके फ्री फायर को आप लोगों को क्लियर कैच करना है, उसके बाद आप लोगों को फेसबुक को आप लोग ओपन करना है। यहीं पे ओके मेन चीज़ है, अगर आप लोगों का फेसबुक का जो अकाउंट अभी लॉगिन है रिसेंट वही आप लोग गेम में लॉगिन कर पाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लॉग आउट अब में आके आप लोग लॉग आउट करना है। एंड जो आप लोग गेम में लॉगिन करना चाहते हो जो अकाउंट को, वही अकाउंट को आप लोगों को फेसबुक में भी लॉगिन करना होगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे देखो मेरा जो ऊपर का जो अकाउंट है इसको मैं अभी लॉगिन करके फेसबुक को लॉगिन कर लेता हूँ एंड गेम में भी ए आई डी लॉगिन करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोग फ़ोन नंबर वगैरह भी डाल सकते हो, या आप लोग का पहले से लॉगिन है तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देना तो एक सेकंड के अंदर आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो फिलहाल देखो पहले मेरा अलग से अकाउंट था, अभी अलग से अकाउंट को मैंने फेसबुक में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो आप लोगों को भी लॉगिन करना होगा। एंड उसके बाद आते हैं हमारा और एक चीज़, बहुत सारे बंदे लोगों को क्या करता है डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देता है क्रोम में। तो अगर आप लोगों को क्रोम में रिडायरेक्ट करता है फेसबुक लॉगिन करते टाइम तो आप लोगों को क्रोम को क्या करना है कि क्लियर डाटा करना है। तो यहाँ पे आके क्लियर डाटा करोगे तो आप लोग दोबारा आप लोग यहाँ पर साइन इन करने के लिए कहेगा, आपका ईमेल आईडी देकर साइन इन कर लेना। तो क्या होगा कि आपका जो पहले से लोडिंग में था फेसबुक वो आप लोगों का नहीं आएगा, यहाँ पे नई तरीके से आप लोगों को पेज ओपन हो जाएगा फेसबुक का। तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पर क्लियर डाटा करना है। तो कल मेरा लॉगिन हो चुका है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप लोग एक बार क्लियर डाटा करना, उसके बाद ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना। इतना सा स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है, उसके बाद आप लोग गेम को ओपन करना। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास आईफोन का डिवाइस नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता, बट फ्रेंड से थोड़ा सा हेल्प लिया कि इस तरह से अगर आप लोग ट्रिक को यूज़ करोगे तो आपका सेकंड अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फेसबुक में टैप करना है, जो फेसबुक आपका लॉगिन है वही फेसबुक देखना, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। एंड अगर क्रोम में रिडायरेक्ट करता है तो भी आप लोगों का प्रॉब्लम पहले जैसा लोडिंग प्रॉब्लम या ऐसे में कंटिन्यू प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। एक सेकंड के अंदर आप लोगों का नया आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा एंड ये आईफोन एंड्रॉइड दोनों में वर्क करेगा। फिलहाल आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं कॉमेंट में आप लोग बता सकते हो। अगर इससे भी नहीं होता तो मैं आप लोगों को लाइव आईफोन में आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये छोटा सा वीडियो, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट शॉट में। तब देखिए, बाय बाय, टेक केयर।